लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में मंगलवार को मुस्लिम ट्रिपल तलाक बिल पर चर्चा के दौरान बिल के पैरोकार और विरोधियों के बीच नोकझोंक देखने को मिली। चर्चा के दौरान जहां सदस्यों ने अपना आपा भी खोया, वहां ऐसे भी लम्हे देखे गए जब सदन ठहाकों से गूंज उठा। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद दिग्विजय सिंह सदन में चर्चा के दौरान बिल के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषण की समाप्ति पर सदन में मौजूद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर देखकर कहा कि आप अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं में से हैं, लेकिन कुछ जूनियर नेता आपसे ऊपर निकल गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मंत्री से पूछा कि क्या वह जूनियर नेताओं को भी सलाह देंगे, क्या वह प्रथम सेवक से भी कहेंगे कि प्रथम सेविका को न्याय दिलाए। इस पर सदन में ठहाका लग गया। एक सदस्य को तो ये तक कहते सुना गया कि आपने तो अंतिम ओवर की लास्ट बॉल पर छक्का लगा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कानूनन रूप से मेरे विद्वान लोगों ने काफी बातें कही हैं। जब तलाके इद्दत यदि गैरकानूनी हो चुका है तो फिर इस प्रकार के कानून लाने का क्या औचित्य है, मैं नहीं समझ पाया हूं। मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, आप आज की भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठतम नेता हैं। कई आपसे कनिष्ठ लोग आपसे ऊपर चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी आप उन लोगों को भी सलाह देंगे जो आपसे कनिष्ठ हैं लेकिन ऊपर चले गए हैं, आपसे औहदे ज्यादा ऊंचे पहुंच गए हैं, प्रथम सेवक से भी आप कहेंगे कि प्रथम सेविका को भी न्याय दिलवाएं। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमानों के बीच झगड़ा करवाने के लिए इस तरह का कानून बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश में 20 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें उनके पति ने बिना तलाक दिए छोड़ रखा है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इन महिलाओं के लिए भी कोई कानून बनाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है और ये बिल राजनीति से प्रेरित है। दिग्विजय सिंह हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ हार गए थे। न्यूज़ डेस्क।